छोटे पर्दे के मशहूर टीवी एक्टर नितिन चौहान का अचानक निधन हो गया, जिससे टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। नितिन ने मात्र 35 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिससे पूरी टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। तो दोस्तों, आज की स्टार लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे नितिन चौहान के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका रियल नेम नितिन चौहान है और इनका निकनेम टिन टिन प्रोफेशन से ये एक एक्टर और मॉडल थे। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया में हुआ था और आज 2024 के हिसाब से 35 इयर्स के हो गए हैं और इनकी डेथ 7 नवंबर 2024 को मुंबई में हुई है। इनकी डेथ का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। बात करें इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी। इनकी आई का कलर ब्राउन और हेयर का कलर ब्लैक था। इनका रिलीजन हिंदू और नेशनैलिटी इंडियन थी। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है। बात करें अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो इन्होंने बीकॉम किया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। ये इनके फादर है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो कि एक टीचर थे। इनकी एक सिस्टर है जिसका नाम रेनू चौहान है, जो कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेसियोलॉजी विभाग में एक सीनियर रेजिडेंट है। बात करें अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो ये अनमैरिड थे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। नितिन चौहान ने मॉडलिंग एजेंसी इलीट मॉडल मैनेजमेंट के साथ एक मॉडल के रूप में काम किया था। इन्होंने टीवी पर डेब्यू किया साल 2009 में टीवी शो दादागिरी सीजन 2 से, जो कि यू टीवी बिंदास पर टेलीकास्ट हुआ था। हालांकि ये पॉपुलर हुए जब साल 2012 में इन्होंने हिंदी रियलिटी टीवी शो एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 5 में भाग लिया। इन्होंने और भी टीवी शोज में काम किया है, जैसे साल 2014 में जिंदगी.com फ्रेंड्स कंडीशन अप्लाई और साल 2020 में तेरा यार हूँ में। इन्होंने कुछ एपिसोडिक हिंदी टीवी शोज में भी काम किया, जैसे साल 2015 में क्राइम पेट्रोल, गुमराह, एंड ऑफ इनोसेंस और साल 2016 में सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन्स और सावधान इंडिया। साल 2018 में इन्होंने मुंबई में बास्किन रॉबिन्स की एक फ्रेंचाइजी शुरू की थी। 28 दिसंबर 19 को इन्होंने मुंबई में आर्टिस्ट्री यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा नाम से एक स्पा शुरू किया था। इन्होंने विभिन्न फैशन शो में रैंप वॉक भी किया है। नितिन विभिन्न प्रिंट एडवर्टाइजमेंट और टीवी एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आए थे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज के बारे में। तो इन्हें ट्रैवलिंग और जिमिंग का शौक था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके घर के बारे में कि ये रहते कहाँ थे। तो ये मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में रहते थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्थ लगभग $1.2 मिलियन बताई जाती है। दोस्तों, ये थी नितिन चौहान की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।